केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट के साथ ही जो अपेक्षाएं थी, जो लोगों की जिज्ञासाएं थी, वो इस बजट में कहां तक शामिल हुई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि इस बजट में उनकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या बजट इस बार खरा उतरा है पूरा। देखिए, मेरी जितनी प्रतिक्रियाएँ हैं पूरे समाज की बजट को लेकर, ख़ास तौर से जहाँ भी मेरे कुछ देर पहले मैंने सुन रहा था डॉक्टर सुरेश पांडे जी को इज़ ए आई सर्जन, तो जैसा उन्होंने बताया कि जितने इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स बाहर से इम्पोर्ट होते थे, उसमें काफ़ी हद तक एक सरकार ने एक अच्छी नीतियाँ तय की हैं जिससे मरीजों को काफ़ी सुविधाएँ होने वाली हैं। साथ ही कैंसर की कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जिनमें मरीज़ों को, जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में कवर नहीं होती थी, तो वो एक बड़ी राहत है उन मरीज़ों के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, मैं खुद दवा उद्योग से जुड़ा रहा हूँ, मैं इसमें एक चीज़ महसूस करना चाहता हूँ कि इन नीतियों में जब भी सरकार पैरामेडिकल के बारे में सोचती है तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट वर्ग जो है वो उपेक्षित रहता है। सरकार से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो फार्मासिस्ट वर्ग के विषय में सोचे, क्योंकि जहाँ भी CHCO PHCO वहाँ पर अभी राजस्थान में ये होने लगा है, लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट की भर्तियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह का बजट है? जैसे कि मेरी स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे एज के जितने भी स्टूडेंट थे, लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं देश के, उनको सबको यही आस थी कि ये बजट जो है एम्प्लॉयमेंट पे कुछ काम करेगा। अब जैसे कि सरकार ने दावा किया है कि बहुत सारी नौकरियाँ और स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया है, तो अगर वो ग्राउंड पर वर्क करती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक NCC कैडेट भी हूँ, तो डिफेंस के साथ बहुत ही जुड़ाव है हम लोगों का, तो डिफेंस में भी बहुत अच्छा बजट सरकार ने पेश किया है, नए हथियार देश के बाहरी देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, तो ये सब चीज़ें हमारे देश को और मजबूत बनाएगी और दुश्मनी जितने भी देश हैं उनको एक तरह से बहुत बड़ा तमाचा है ये। आपको क्या लगता है किस तरह का बजट है? बजट इस बार जो पेश हुआ है वो बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। रोजगार है, नौकरियां हैं, स्किल डेवलपमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। परंतु ये जो हमने अभी देखा कि यहाँ पे 20 लाख रुपए का मुद्रा लोन बढ़ा करके कर दिया गया है, जब हम सरकारी बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे फॉर्मेलिटीज़ मांगी जाती हैं कि क्या आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न है, क्या आपके पास में और फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये एक आम समस्या है कि अगर हम अपने व्यापार के लिए, हम अपने व्यापार करने के लिए अगर मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो हम किस भी आप पे जाएंगे कि अगर हम बेरोजगार हैं, आप हमें 3,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपये से सैलरी कम है और हम अपने रोजगार के लिए मुद्रा लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में सरकारी बैंक वाले हमें ये कहते हैं कि आपका इनकम टैक्स कहाँ है, आपका इनकम प्रूफ क्या है, तो हम कैसे जस्टिफाई हो पाएंगे इन सरकारी योजनाओं को लेने में? क्या हम मुद्रा लोन लेने के हक? क्या लगता है क्या होना चाहिए सर? इसका सरलीकरण होना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह का बजट? जी, मेरे को ओवरऑल बजट से काफ़ी अच्छी अपेक्षाएं भी थी और कहीं ना कहीं ये बजट पूरा अपेक्षाओं पे उतरा भी है, क्योंकि ये बजट युवाओं के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और इन्वेस्टर्स के लिए भी है। काफ़ी कुछ इस बजट के अंदर आया है, जैसे युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए हैं, 4 करोड़ के ऊपर इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि भाई एक युवाओं को दिशा मिलेगी कि भाई हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर इन्होंने न्यू रिजीम की बात करें तो उसके अंदर 75,000 की इन्होंने डिडक्शन दी है टैक्स में, कि अगर आपका 75,000 तक का टैक्स बन रहा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, पहले ये 50,000 की लिमिट थी। फिर कैपिटल गेन के अंदर भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, 1,00,000 से 1,25,00,000 कर दिया है इसका जो बेसिक एग्जम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। हाँ, इन्होंने टैक्स रेट इंक्रीज़ किया है 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में किया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15 से 20% कर दिया है। साथ के साथ इन्होंने STT टैक्स भी बढ़ाया है, लेकिन इसी के साथ अगर कमोडिटी की तरफ मूव करते हैं तो इन्होंने गोल्ड के अंदर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके 10 ग्राम का जो सोना है उस पर कम से कम भी 6,000 रुपये का जो इम्पैक्ट है आने वाला है जो डाउन होएगा, तो 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना कम हो जाएगा, तो ये घरेलू लोगों के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि ये जो बजट है वो जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा है, विमेन एम्पावरमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया है बेसिकली, और MSME वेंडर्स के लिए फ़ायदा है। मुद्रा लोन जो हमें इंक्रीज़ कर दिया है तो मेक इन इंडिया पे ये फोकस कर रहे हैं, मुद्रा लोन की जो लिमिट थी 10,00,000 उसको 20,00,000 कर दिया गया है। टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है ये। सैलरीड एम्प्लॉयज़ की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 उसको 75,000 तक कर दिया गया है। बट लॉन्ग टर्म जो स्लैब रेट्स थी टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी राहत है, क्योंकि जो स्लैब रेट्स थी वो बड़ा रेट्स कम कर दिए और स्लैब बढ़ा दी गई है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इन्होंने टैक्स रेट थोड़ी बढ़ा दी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है, वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा एडवर्स है।
कुल मिला के क्या लगता है कि कुल मिला के काफ़ी अच्छा बजट है, जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा है। आपसे पूछना चाहेंगे सर, आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, किस तरह का बजट है ये? एक बहुत ही स्वागत योग्य बजट है, और इसमें मेडिकल फील्ड की बात करें तो कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं जो कि काफ़ी कॉमन है इंडिया में, लाखों लोग प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनके लिए कैंसर की दवाइयों पे जो छूट दी है वो रोगियों के लिए बहुत राहत देने वाली है। और इसके साथ साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने घटाई है वो भी बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत एक काफ़ी पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका है। भारत यदि हम साउथ एशिया की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर, यहाँ पर सिंगापुर और वियतनाम और थाईलैंड के बाद सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, और देश में भी मेडिकल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे और स्वागत योग्य कदम है। कोटा और राजस्थान को क्या उम्मीद? कोटा और राजस्थान के लिए एक जो मेरा पर्सनल व्यू है कि कोटा में जिस प्रकार से एयरपोर्ट की भूमि का मामला चल रहा है, तो इस भूमि को मेडिसिटी के रूप में विकसित करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें एक बहुत बड़ा मेडिकल संस्थान होना चाहिए जैसा एम्स होता है, और इसमें सारी जो टेक्निक्स हो, जैसे सारी पद्धतियाँ हों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, वो सब पद्धतियाँ एक ही छत के नीचे हों, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेडिकल हब बन सकता है कोटा में। और इसके लिए आपको क्या लगता है, किस तरह का बजट है? बजट ओवरऑल जो है सरकार ने बैलेंस करने के लिए बनाया है। इसमें इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डीमोटिवेट किया है सरकार ने रिस्क फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल गांव, टाउन और स्मॉल सिटीज़ के इन्वेस्टर हैं वो भी आजकल एफएंडओ में कर रहे हैं, तो इस वजह से सरकार ने एसटीटी बढ़ा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारी चीज़ें बढ़ाकर थोड़ा सा इन्वेस्टर को क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का फोकस फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाने का है, इस वजह से सरकार ने फॉरेन कंपनीज़ पे जो टैक्स है वो 40% से कम करके 35% कर दिया है। दूसरी ओर जो स्मगलिंग का गोल्ड इंडिया में आता था उसको कम करने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड पे है वो उसको कम किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ से सरकार ने कुछ छूट दी है और दूसरी तरफ से सरकार कुछ लेना चाह रही है, तो सरकार ने अपना बजट जो है वो बैलेंस किया है। आपको क्या लगता है मध्यम वर्गीय परिवारों को किस तरह का फायदा होगा? मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो ये बजट वास्तविकता में अच्छा है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो योजना बनाई है वो बेसिकली यूथ के को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। वो कहते हैं ना कि यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब अगर हम देश की बात करें तो देश पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर यूथ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठांक है। तो सरकार ने यूथ को विकसित करने के लिए, यूथ को सुदृढ़ करने के लिए 1,00,000 करोड़ नौकरियों का जो प्रावधान रखा है वो अपने आप में स्वागत योग्य है। और मोदी सरकार का जो ये कदम है वो वास्तविकता में बहुत विजनरी है, और एक दूरदर्शिता भरे कदम का ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेंगे, क्योंकि यूथ को जो नौकरियां का जो संभावना है उनको दी जा रही है, यूथ को जो अवसर दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री डालने के, यूथ को जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, उससे निश्चित रूप से अगले 5 साल के अंदर भारत जो है एक विकसित देश के रूप में उभरने की ओर निश्चित रूप से होगा। और बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्गीय में जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो थोड़ा सा रसोई को लेकर के बजट में इतनी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, महंगाई जो कि जो बनी हुई है, दाल की बात करें, चाहे वो सिलेंडर की बात करें, चाहे ओवरऑल घर के बजट की बात करें, तो थोड़ा सा उसको लेकर के निराशाजनक बजट है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी कोई कार्य किया जाए। बाकी कोटा की हम बात करें तो कोटा में जो हमारा एक सपना था, एक लंबे अरसे से हम लोग देखते हुए आए थे हमारे एयरपोर्ट का, वो सपना साकार होता हुआ इस बजट में नज़र आ रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है कोटा के अंदर, जो शिक्षा नगरी है कोटा के अंदर, जो व्यवस्था अभी थोड़ी सी शिथिल हुई है, थोड़ी सी तकलीफ दे हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि कोटा में इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से ये इंडस्ट्रीज़ का जो एक सीधा सीधा जो दूरदर्शिता है वो निश्चित रूप से सरकार का स्वागत योग्य कदम है। कोटा भी इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, कोटा के यूथ भी हिस्सा लेंगे, कोटा इंडस्ट्रीज़ के रूप में एक बड़े हब के रूप में उभर करके आएगा। कोटा इंडस्ट्री के हब के रूप में उभर करके सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो ये बजट है ये ओवरऑल बैलेंस करके बनाया गया बजट है, इसमें कुछ टैक्सेस में छूट दी गई है, तो दूसरे हाथ से लेने का भी प्रयास किया गया है। तो जो ये बजट है जो यूथ के ऊपर फोकस किया गया है, दूसरी ओर फार्मर्स के ऊपर फोकस किया गया है, और इसके साथ ही जो ओवरऑल जो सभी जो तबके हैं उसको कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश इस बजट में की गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.